GTL इंफ्रा 1.5 रुपए का एक ऐसा पैनी स्टॉक जो दोस्तों वापस से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसमें जो चर्चाओं का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि कई निवेशकों को जो ये 5G ऑक्शन हुए हैं और आने वाले समय में जो 5G ऑक्शन इम्प्लीमेंट होंगे, और आपको पता होगा 15 अगस्त से जियो ने कहा है कि भाई हम अपनी जो 5G है उसको कह सकते हैं आप कि इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो ऐसे में GTL इंफ्रा लोगों के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रडार में आया हुआ स्टॉक है। कई लोगों को ये लग रहा है कि ये जो आप कह सकते हैं 5G ऑक्शन है, ये इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं एक रिवाइवल मोमेंट होगा। क्या ये 1.5 रुपए का स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है, या सिर्फ आपको आपकी अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है और आप ये चाह रहे हैं कि ये आपको बहुत मजबूत कर दे और आके करोड़पति बना दे, तो आई एम सॉरी टू से मुझे लगता है ये आपके हालात को बद से बदतर कर सकता है ये स्टॉक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करूंगा GTL इंफ्रा में। सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर बात करने की कह सकते हैं आप ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पहले मेरा मन था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊँ कि भाई आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहले मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाता हूँ जहाँ आपको समझाऊँगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक कह सकते हैं आप एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर एक डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ कह सकते हैं आप कि एक डिटेल एनालिसिस लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए 2004 में इनकॉर्पोरेट होने वाली ये कंपनी टेलीकॉम क्षेत्र में शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही शानदार नाम था। नो डाउट जब इसने शुरुआत की अपने बिजनेस की, मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसी कंपनीज होंगी जिनके पास इतनी शानदार एक्सपर्टीज रही होगी अपने क्षेत्र में, इतना शानदार रनअप उन्होंने देखा होगा। एक वाकई में गोल्डन पीरियड इस कंपनी ने देखा है, और ये हर एक कहना चाहिए इसको इस बात के ऊपर दांत हमें ज़रूर देनी चाहिए कि इन्होंने वाकई में आप कह सकते हैं उस समय की टेलीकॉम क्षेत्र की, आप कहते होंगे आपके घर में आप कह दीजिए कभी कोई घर बनवाते हैं तो आप ठेकेदार को दे देते हैं, तो ये वो ठेकेदार थी जो टेलीकॉम कंपनी चाहे कोई भी हो वो इन्हें दे दें कि भाई आपका क्षेत्र में आपको टावर लगाना है, मशीन आप लगा सकते हैं, मेंटेनेंस आपको देखना है, सब काम कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इस प्रकार के एक काम ये करती थी, और इन्होंने बखूबी काम किया और बहुत शानदार तरीके से इनका रनअप रहा। फिर आता है आप कह सकते हैं एक वो मोड़ जहाँ से कंपनी की किस्मत दशा दिशा सब बदल जाती है, 2G स्कैम घोटाला। और रातों रात सरकार कितने सारे दोस्तों लाइसेंस होल्डर्स के आप कह सकते हैं लाइसेंस कैंसिल कर देती है, और होता क्या है GTL इंफ्रा को इतना ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो ऑपरेटर है वही पेमेंट ही नहीं करेगा तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, और ये जिनसे लीज में प्रॉपर्टी ले रखे हैं या किराए में ले रखे हैं उन्हें देंगे कैसे, कह लीजिए पेमेंट कैसे करेंगे। तो कर्जा लगातार बढ़ता गया, स्थिति बद से बदतर होती गई, और जब तक हालात थोड़े बहुत आप कह सकते हैं सुधरने को दिखाई दिए, इनकी हमारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी दोस्तों। GTL इंफ्रा आप कह सकते हैं, इंफ्रा आप कह सकते हैं कि ध्वस्त सा हो गया। फिर क्या होता है दोस्तों, मैं आऊँगा कि कह लीजिए DIS की इतनी बड़ी होल्डिंग क्यों है इसकी, क्योंकि आप देख रहे होंगे DIS की बड़ी ज़बरदस्त होल्डिंग है इसमें, तो उसके में मैं आऊँगा। फिर जब चीज़ें ठीक होने लगी तो आता है चाइनीज़ ड्रैगन। ये दोस्तों मैं चाइनीज़ ड्रैगन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो आया, और सिर्फ इसी बिजनेस में दोस्तों, इसका ZTE, इसका हवाई, क्योंकि इनके आपको पता है जो हवाई और ZTE बैन हो चुके हैं कहाँ पे, अमेरिका में, कनाडा में, ये कंट्रीज ऑलरेडी बैन कर चुके हैं इनको, लेकिन उनका रीज़न ये है सिक्योरिटी रीजंस है। लेकिन मैं आपको चाइनीज़ कह लीजिए आप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जब भी आते हैं दोस्तों इनके पास पॉकेट्स फुल रहती हैं, सरकार की बैकअप रहती है, ये एक फ्लड मार्केटिंग करते हैं दोस्तों। फ्लड मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता है आपको देखे होंगे आप, आपके आसपास जब वीवो शाइमी हर एक मोबाइल सेंटर में इनके बोर्ड दिखते हैं, हर एक जगह इनकी लाइट जलती रहती है, आप देखते होंगे हर एक मोबाइल सेंटर में बहुत ल्यूक्रेटिव आप कह सकते हैं ऑफर देते हैं ये कंपनीज़ को, जो रिटेलर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं उनको ये इतने ज़बरदस्त ऑफर देते हैं दोस्तों कि कई साल साल तक ये सिर्फ और सिर्फ किस में धंधा करते हैं, लॉस में धंधा करते हैं।
भाई जब आप लॉस में धंधा करोगे आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे रहते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट की बैकअप रहती है, लेकिन यहाँ कोई गवर्नमेंट तो बैक करती नहीं कंपनीज को। तो यही हाल हुआ जीटीएल इंफ्रा के साथ। भाई साहब ये आए जीटीएल इंफ्रा, जो कह लीजिए चाइनीज कंपनीज आई, जो सबसे बड़ी धंधे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मार्जिन होती है, वहीं पे चोट करने लग गए, भर भर के पैसा देने शुरू कर दिए तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी रूरल एरिया से लेकर के तमाम जगहों पे। और क्या हुआ, जीटीएल इंफ्रा कभी खड़ी नहीं हो पाई उसके बाद से दोस्तों। नो डाउट कंपनी एक्सपर्टी शानदार है, एक समय में तो 27,000 टावर इनके अंडर काम करते थे, और आज भी मुझे जहाँ तक याद है 13,000-14,000 टावर तो आज भी शायद काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बैलेंस शीट में इतनी महंगी है दोस्तों, और आप इसको कह लीजिए बैंक्स इनको कह लीजिए अपने पेमेंट ना मिलने के असर पे इनकी इक्विटीज रखने लग गई, और इसीलिए आप देखते होंगे अगर आप इसके DIS के ओपन करेंगे तो तमाम बैंक आपको दिखेंगे इसमें नाम, क्योंकि भाई रीस्ट्रक्चरिंग के नाम रीस्ट्रक्चरिंग इनको बहुत बार करनी पड़ी क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं थे, और रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे बैंकों ने पेमेंट तो मिली नहीं तो इक्विटी अपने नाम कर दिया। रही कस सही कसर, प्रमोटर लगातार इसमें अपनी होल्डिंग बेचते रहे दोस्तों। तो आप देखिए इस कंपनी की मारी हालत बिल्कुल बिल्कुल भी मैं कहूँगा सही नहीं है दोस्तों। GTL इंफ्रा नो डाउट एक काफ़ी शानदार कंपनी है दोस्तों, लेकिन इस कंपनी के पास डेट इतना है ना, और जो भी आपके लिए जो होल्डिंग है 2%, 1.5%, 2.5% प्रमोटर की है, वो भी 100% प्लेज्ड है दोस्तों। बर्डन में दबी हुई है कर्जों के, अगर 5G ऑक्शन के बाद अगर मान लीजिए इनको अगर आप कह सकते हैं भाई जियो या कोई और वोडाफोन आइडिया और आप कह सकते हैं भारतीय एयरटेल इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट देती भी हैं, और मैं तो बोलता हूँ मान लीजिए इनको 2-3 हज़ार टावर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया, लेकिन वो रेवेन्यू जाएगा कहाँ? वो तो दोस्तों जो कर्जे इतने भयंकर हैं वो ठीक करने में जाएगा। और देखिए हमेशा मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट को कई लोग जुआ बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये जुआ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इन कंपनीज जैसी कंपनीज में अगर निवेश करते हैं तो वो टोटल एक गैम्बल होता है, इससे अच्छा आप जाएं कैसीनो में पैसे लगा लें, क्योंकि करेंटली मुझे कोई भी अपसाइड दिखती नहीं है। और हाँ मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कोई भाग नहीं सकता, ऑपरेटर्स ने स्टॉक को ऐसा भगाया है ऐसे स्टॉक को दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए ऐसे अपर सर्किट में फंसाया है कि स्टॉक अपर सर्किट से कभी निकलता ही नहीं है। 2 रुपये कौड़ी का स्टॉक दोस्तों रहता है, वो 2 रुपये का स्टॉक रहता है वो पता नहीं कहाँ 50-60 रुपये पहुँचा देते हैं, और गिरावटने में आते हैं तब माल सिर्फ डंप करने लगते हैं तो निवेशकों को मौका ही नहीं मिलता वहाँ पे आप कह लीजिए वहाँ से माल निकालने का, और एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं मुसीबत में वो फंस जाते हैं। तो GTL इंफ्रा के लिए दोस्तों मैं आप निवेशकों से यही कहूँगा, बाजार बहुत शानदार स्टॉक्स हैं दोस्तों, अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो आपको मौके देता है, ऐसे 1.5-2 रुपये के स्टॉक से प्लीज़ बच के रहें। शायद आप एक दो बार शुरुआत में कह लीजिए बिगिनर्स लक होता है एक, उसमें शायद कुछ पैसे आप कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको एक बहुत बहुत बड़े आप कह सकते हैं लालच के दलदल में फंसा के एक बहुत बड़े नुकसान करवाएगा आपको। देखिए मैं इसीलिए बात करता हूँ, मैं हमेशा आप देखे होंगे मैं वीडियोस में ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, और कभी कभी ऐसे स्टॉक्स की बात करता हूँ जो शायद आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यूएशन, जब एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन में स्टॉक मिले बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाए वो समय होता है उसमें खरीदारी का, लेकिन GTL इंफ्रा उन स्टॉक्स पे से नहीं है दोस्तों, एटलीस्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ चीज़ों में। इसलिए GTL इंफ्रा में मैं फिर कहूँगा दूरी बना के रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आए हैं निवेश करने आए हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे हमें कमाने हैं, तो क्वालिटी स्टॉक्स में मैनेजमेंट को देखते हुए जिनके पास उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें निवेश करें। लॉन्ग टर्म में आप अपनी उम्मीद से मैं कहूँगा ज़्यादा ही कमाएंगे इस मार्केट से, बस डिसिप्लिन रहें, कह लीजिए लालच से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों GTL इंफ्रा में, यदि आपको अच्छी लगी हुई एनालिसिस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों मैं फिर कहूँगा इस पैनी स्टॉक से, इस 1.5 रुपये के पैनी स्टॉक से जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ दूर रहिएगा। तो अपना आपने कीमती समय दिया, यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।